राजधानी रायपुर में मोर महापौर मोर द्वार का समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि कार्यक्रम के तहत हर वार्ड में आम जनता के लिए शिविर लगाया गया है और जनता की समस्याओं का निराकरण किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नियमितीकरण की राशि का 25% उसी नगरीय क्षेत्र को दिया जाएगा। जो नियमितीकरण का जो 50% जो राशि है, 50% जो राशि है आप नगर निगम को अगर उपलब्ध कराएंगे, नगर निगम के खाते में आएगा, तो हम रायपुर को एक नई दिशा और एक नया रायपुर हम दे सकेंगे, ऐसा मैं आपसे मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि हम लोग ने बहुत काम इस शिविर में लगातार पूरे जितने भी बैठे हमारे सभापति, हमारे जितने MIC मेंबर पार्षद, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और इस कार्यक्रम में और 4 साल लग जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। जब हमें आप 25 करोड़ रुपए की अगर आप हमें राशि उपलब्ध करा देंगे तो हम जितने भी काम हमारे पास आवेदन आए हैं वो सब आवेदन के काम हम यहाँ यही से इस मंच के माध्यम से हो जाएंगे, ऐसा मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी मांग करता हूँ। मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम संचालित करते हुए प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाया गया और आम जनता की जो समस्याएं हैं उसे सुलझाने का काम किया गया, जिसमें राशन कार्ड बनाना है, श्रमिक कार्ड बनाना है, आयुष्मान कार्ड बनाना है, तो बहुत सारे जो शासकीय योजना हैं उसका लाभ भी दिया गया। और आज नियमितीकरण की जो राशि आएगी उसमें 25% उसी नगरीय क्षेत्र में, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका, नगर पंचायत, उसमें वापस किया जाएगा।